गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारा एक पार्ट जो है चल रहा है कौन सा, सच्चाई। इस पार्ट में हमने देखा कि गुरुजी ने जो है कक्षा में गणित विषय सिखाना शुरू किया और सभी बच्चों को कुछ सवाल हल करने के लिए दिए। सिर्फ गोपाल ने सभी सवाल के जवाब सही दिए थे, तो गुरुजी ने उसे शाबाशी दी और जो है अगले दिन के लिए सभी बच्चों को करने के लिए गृह कार्य दिया है। सभी बच्चे खुशी खुशी घर चले गए। अब घर आने के बाद गोपाल जो है हल करने में लग गया है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा पहले खाना खा लो, बाद में बाकी सवाल हल कर लेना। लेकिन जो है गोपाल ने कहा कि सभी सवाल मैंने हल कर लिए, सिर्फ एक ही सवाल मेरा हल करने का रह गया है। उतने में क्या हुआ है कि गोपाल का एक मित्र आया है। गोपाल ने उसकी सहायता ली है और अपने मित्र की सहायता से गोपाल ने वह जो सवाल था उसे हल कर लिया है। अगले दिन जब गोपाल जो है कक्षा में गया है तो गुरुजी ने सभी बच्चों की जो है पुस्तिकाएं जांची, तो गोपाल के ही सभी आंसर सभी जवाब सही थे। अब जो है गोपाल को गुरुजी ने कहा कि बेटा गोपाल, मैं तुमसे क्या है बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और यह कलम मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूँ। यहाँ तक हमने देखा था। अब इसके बाद का आज आगे जो है हम देखने वाले। देखिए, गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा। गोपाल को रोता देखकर गुरुजी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? गोपाल बोला, गुरुजी मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आपने सभी सवाल स्वयं हल करने के लिए कहा था। मैंने सभी सवालों के स्वयं हल निकाल लिए, परंतु एक सवाल हल नहीं कर पाया। उससे हल करने में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। अब देखिए, गोपाल को जो है गुरुजी ने कलम जो है पुरस्कार स्वरूप देनी चाहिए, तो गोपाल जो है रोने लगा है। और गोपाल ने कहा कि मैं अब देखिए, गोपाल रोने लगा है तो गुरुजी क्या है हैरान रह गए देखकर। तो गोपाल से गुरुजी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे? तो गोपाल ने कहा कि ये पुरस्कार पाने में योग्य नहीं हूं, क्योंकि क्या है आपने जो है सभी सवाल जो है स्वयं हल करने के लिए कहा था और मैंने जो है अपने मित्र की सहायता से वो सवाल हल किए हैं। अब देखिए उसके आगे का देखिए, गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। एक छोटा सा बालक सबके सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल स्वीकार कर रहा है। वे बोले, बेटा यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी, पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, किंतु अब तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अब देखिए, गुरुजी ने जो है गोपाल से कहा कि आपने गोपाल की जो बात थी ये सुनकर जो है गुरुजी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा गोपाल, पहले तो पुरस्कार तुमने जो है सभी सवाल के सही जवाब देने के स्वरूप में जो है आपको जो है वो पुरस्कार दिया जा रहा था, लेकिन ये पुरस्कार जो है आपको आप सच्ची बात कहने की वजह से आपको जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या हो, गुरुजी ने सच बोलने के लिए वह कलम गोपाल को दे दी। बच्चों जानते हो यह बालक कौन था? इस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। यह बालक बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। अब देखिए बच्चों, गुरुजी ने प्रसन्न होकर वो कलम क्या है गोपाल को पुरस्कार स्वरूप दे दिए। उसकी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए उसने जो सच्ची बात कही कि उसने एक सवाल हल करने के लिए अपने मित्र की सहायता ली, यह सुनकर जो गुरु जी खुश हो गए और उन्होंने जो है पुरस्कार स्वरूप वो कलम गोपाल को दिए। आप जानते हो ये गोपाल कौन है? ये गोपाल हमारे देश के महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी यानी हमारे राष्ट्रपिता अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
तो देखिए इस पाठ में आएंगे कुछ नए शब्द। स्वयं यानी क्या? अपने आप। योग्य यानी काबिल या लायक। कलम यानी लेखनी। इस प्रकार जो है हमने ये पाठ हमारा देखा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।